उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मंच पर पहुंचे आप पार्टी के संजय सिंह ने बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी ने देश की सारी संपत्ति पूंजीपतियों के नाम कर दी है, चाहे रेल हो चाहे सरकारी संपत्ति हो, सब अडानी और अंबानी के इशारे पर बेची और खरीदी जा रही है। उत्तर प्रदेश में अगर विकास हुआ तो अखिलेश यादव की सरकार में विकास हुआ है। अखिलेश यादव ने जहां मेडिकल को लेकर एम्बुलेंस, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर 100 डायल पुलिस सहित शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर काम किया था, साथ ही आज आप ये बड़े बड़े हाईवे देख रहे हैं, वे सब अखिलेश यादव की सरकार की देन है। हमें आज स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, जुमलेबाजी की सरकार नहीं चाहिए। बीजेपी पर संजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने जीतने के बाद, चाहे वह अखिलेश यादव हो और वह चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सभी के ऊपर जिस तरीके से शिकंजा कसा है, क्या वे आपको लगता है न्यायपूर्वक है? बीजेपी में जितना भ्रष्टाचार है, सब भ्रष्टाचारी बीजेपी के साथ हैं। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी देना चाहती है और जब मौका मिलेगा तो उस पक्ष में काम करेगी। वहीं बड़े पैमाने पर नौजवानों की नौकरी छीनी और ये जानबूझ करके पेपर लीक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जहां से पेपर लीक हो रहा वहां बीजेपी की सरकार है। जब इतना सुरक्षा का इंतजाम किया इन्होंने, उसके बाद आखिरकार क्यों पेपर लीक हो रहे हैं? और जब पहली बार पेपर लीक हुए उसी समय सरकार क्यों सावधान नहीं हुई? सरकार जानबूझ करके पेपर लीक इसलिए करा रही है क्योंकि वो आरक्षण नहीं देना चाहती, वो सरकार नौकरी नहीं देना चाहती। और इनके पास बताने को क्या है, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं, कहने को डबल इंजन है, लेकिन दूसरा चेहरा होर्डिंग पे नहीं आ पा रहा, दूसरा चेहरा गायब है और जितना वोट डाल के एक चेहरा बचा है उसको भी गायब कर। लोकसभा बिजनौर, इस लोकसभा के अंदर और जिले के विकास के लिए जो भी होगा वो समाजवादी लोग करेंगे। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इस जिले में अगर एम्बुलेंस चल रही है तो समाजवादियों की देन है। 100 नंबर जो आज 112 है, अगर पुलिस के पास इस तरह की गाड़ियों का इंतजाम अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया। पूरे बिजनौर में सब स्टेशन, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में पर्याप्त बिजली का इंतजाम हो जाए, समाजवादियों की देन है। तो मुझे याद है सरकार में एक अधिकारी यहाँ के थे जो रिटायर हुए थे, PWD के, वो यहीं के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। ये जो आज मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इसकी शुरुआत अगर किसी ने की थी तो समाजवाद। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।